बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे। लिखे मेरे साथ साथ इसका नाम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इसमें लिखेंगे इट इज ए रिजर्व क्रिएटेड आउट ऑफ फर्म्स प्रॉफिट्स टू सेफगार्ड द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट अगेंस्ट द फॉल इन देयर मार्केट वैल्यू। आगे लिखें द एक्सेस ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व ओवर द डिफरेंस बिटवीन बुक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स इज क्रेडिटेड टू द ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो। हाँ, इसका मतलब क्या होता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का मतलब एक रिजर्व है, रिजर्व का मतलब प्रॉफिट से निकाला गया है। इसके लिए निकाला गया है, मान लीजिए फर्म ने कोई इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो उस इन्वेस्टमेंट की कीमत मार्केट वैल्यू जो है फ्लक्चुएट होती रहती है, तो कभी नुकसान ना हो जाए उसके लिए कुशन की व्यवस्था करने के लिए, नुकसान की भरपाई करने के लिए, बाद में अगर कुछ होगा तो उसकी भरपाई करने के लिए हम लोग क्या करते हैं एक रिजर्व बना के रखते हैं कि साहब कल को अगर मार्केट वैल्यू कम पड़ेगा, मार्केट वैल्यू कम हो जाता है, हमें पैसों की जरूरत पड़ेगी तो हम क्या करेंगे इस इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से पैसा निकाल लेंगे, इसके लिए बनाते हैं। आगे लिखिए इसमें एग्जाम्पल से समझते हैं इसको भी। लिखे एग्जाम्पल ए बी पार्टनर्स है, लिखे सी का एडमिशन हुआ, द बैलेंस इन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व आई एफ आर लिख देते हैं यहां पे एट द टाइम ऑफ एडमिशन इन द बैलेंस शीट टूवर्स 2000। इसका मतलब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व एग्जिस्टिंग था आपका 2000 का एंड इन्वेस्टमेंट वर ऑफ रूपीज 1 लाख। इसका मतलब 2000 रुपए का रिजर्व था और इन्वेस्टमेंट की कीमत आपकी जो इन्वेस्टमेंट करना थी आपने बुक वैल्यू की बात कर रहे हैं वो था 1 लाख। मार्केट वैल्यू की अगर बात कर देगा तो उसका ज्यादा होगा उतना का उतना होगा। तो लिखे इसके अंदर लिखे अकाउंटिंग के लिए इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इसके आप 3 हिस्से करते हैं साहब। लिखे सबसे पहले मार्केट वैल्यू इज इक्वल्स टू बुक वैल्यू, इसका मतलब हमने लाख रुपए के शेयर्स खरीदे थे, लाख रुपए के ही बचे हैं तो क्या करना है। अगला लिखे मार्केट वैल्यू लेस देन बुक वैल्यू, इसका मतलब लाख रुपए के हमने शेयर्स खरीदे बाजार में उसकी कीमत कम है, कितनी कम है उसकी अपन बात करते हैं। थर्ड लिखे मार्केट वैल्यू ग्रेटर देन बुक वैल्यू,
लाख है, तो इसका मतलब क्या करेंगे, यहां लिखिए टोटल रिजर्व अमाउंट इज ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसका मतलब आपको रिजर्व की जरूरत ही नहीं पड़ी, जितने में आपने खरीदा बाजार में उतनी कीमत का नुकसान हुआ ही, जब नुकसान नहीं हुआ तो रिजर्व को यूज करने की जरूरत नहीं है, रिजर्व बनाया नहीं होता, नुकसान होता तब। तो फर्स्ट कंडीशन और थर्ड कंडीशन में सेम है, सिमिलरिटी क्या है जान लेना, रिजर्व की जरूरत ही नहीं पड़ रही है, तो जो पैसा बचा है पार्टनर्स को बांट लेंगे हम। तो लिखे यहां पे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 2002 इज कैपिटल अकाउंट 1002, बी इज कैपिटल अकाउंट 1000। इसका मतलब रिजर्व जब पड़ेगी सब 2000 आपने बांट दिया पार्टनर्स को 1000 रुपए में। आगे बढ़ते हैं, इसमें हम तीन अलग अलग कंडीशंस बना लेते हैं। पहला लिखिए इसमें मेरे साथ साथ ए, द फॉल इन मार्केट वैल्यू इज लेस देन रिजर्व बैलेंस। यहां पे नीचे लिखे मार्केट वैल्यू 99,000, तो हमने कहा जो कीमत में कमी आई है वो कितनी है, रिजर्व से कम है, मतलब पूरा रिजर्व यूज करने की जरूरत नहीं है, हमारे पास में 2000 का रिजर्व है, नुकसान 1000 का हुआ है, तो हम क्या करेंगे 1000 रुपए तो रिजर्व से ले लेंगे, जो बचा 1000 रुपए उसे अपन पार्टनर्स में बांट देंगे। तो लिखे इसके अंदर IFR अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 2002, इन्वेस्टमेंट अकाउंट, इन्वेस्टमेंट के लिए कितनी रकम पड़ी कम होगी, पैसे को कम करना तो क्रिएट करना है 1002, एज कैपिटल अकाउंट 502, बीज कैपिटल अकाउंट 500। ये हमने क्या किया, 1000 की कमी थी 2000 की व्यवस्था थी, तो 2000 से 1000 पर निकाल लिया, इन्वेस्टमेंट के लिए इस काम के लिए निकाला, उसको लगा दिया, बचा हुआ था आपने क्या किया पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, इधर ओवर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। नेक्स्ट लिखिए बी कंडीशन, फॉल इन मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू रिजर्व बैलेंस। इसका मतलब है इन्वेस्टमेंट की कीमत उतनी ही कम हुई जितने का आपने रिजर्व बना रखा है, तो यहां पे चाहो तो लिख लो मार्केट वैल्यू 98,000, कब कितना हो उतना ही इतना रिजर्व बना रखा है, तो क्या करेंगे देखो लिखो मेरे साथ साथ IFR अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 2000। आपने क्या किया, जितना भी रिजर्व बना रखा उसे आपने इन्वेस्टमेंट में ट्रांसफर कर दिया, इन्वेस्टमेंट में क्रेडिट कर दिया, मतलब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू आपने कम कर दी है। लिखिए तीसरा सिचुएशन, पार्टनर्स के लिए कोई बचा नहीं है तो आप उसको पार्टनर्स को बांटोगे नहीं। लिखिए थर्ड सिचुएशन, फॉल इन मार्केट वैल्यू इज ग्रेटर देन रिजर्व बैलेंस, मतलब व्यवस्था 2000 की थी, नुकसान 2000 से ज्यादा आ हुआ तो क्या करना है। लिखें यहां पर लिखे मार्केट वैल्यू 90,000, व्यवस्था की थी 2000 के नुकसान हुआ 10,000 का, तब क्या करना है। लिखे IFR अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 2000, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 8,000, टू इन्वेस्टमेंट्स 10,000। इसका मतलब आपने क्या किया, जैसे आपने वर्कमैन कंपनसेशन के अंदर रिवैल्यूएशन से लिया था, यहां पर भी रिवैल्यूएशन अकाउंट से ले देंगे, और अल्टीमेटली कहां ट्रांसफर होगा रिवैल्यूएशन का, कैपिटल अकाउंट पार्टनर्स को, मतलब जो भी लॉस है वो पार्टनर्स के अकाउंट में ऑटोमेटिकली चला जाएगा इनडायरेक्ट मेथड में। चलिए थर्ड सिचुएशन करते हैं, मार्केट वैल्यू यदि ज्यादा है तो कोई समस्या नहीं है, साथ का साथ बांट लें। लिखे टोटल रिजर्व अमाउंट इज ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, फर्स्ट सिचुएशन का सेम यहां पे है। लिखे IFR अकाउंट डेबिट
2002. A's capital 1002. B's capital 1000. यहाँ से बात समझ में आती है. अब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू ज्यादा है तो ज्यादा होगा तो क्या होगा, हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट में किया था, एसेट्स की वैल्यू ज्यादा होती है तो फायदा होता है, तो हम क्या करेंगे उस फायदे को पार्टनर से कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं. तो एक्सेस अकाउंट जो है उसका हम लिखते हैं, तो यहां पे लिखते हैं वैल्यू, मान लेते हैं 5000 रुपए की वैल्यू है इसकी, मार्केट वैल्यू 110000 है, तो 110000 अगर होगा तो हम लोग क्या करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे 10000 रुपीज. तो जनरल एंट्री करें इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट 10000 टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 10000. और अब क्या करना है इस रिवैल्यूएशन अकाउंट को ट्रांसफर कर देंगे पार्टनर से कैपिटल अकाउंट में. तो जनरल एंट्री क्या होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट 10000 को बांटने के बराबर बराबर 5000 ईच. आज की बात समझ में, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के ये आपके सिचुएशंस बनते हैं. तो इन तीनों एडजस्टमेंट्स जो आज की क्लास में हमने किया था, इस तरीके से अगर आप फ्लो चार्ट बना लेते हो या चार्ट बना लेते हो तो ये आपके लिए बड़ा इजी हो जाएगा. तो जब कभी भी आप इसके क्वेश्चंस करते हो तो एक बार इनको आप वापस चेक कर लेना, ठीक है. और इसके बाद में हम लोग जो है प्रवीण के गोयल सॉरी पीएस गोयल वाली जो किताब है इसके अंदर से हम लोग क्या करेंगे क्वेश्चंस करेंगे 2020 एडिशन में से अनसॉल्व क्वेश्चंस, ठीक है. तो चलिए, थैंक यू सो मच, बाय.